नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब इनकार कर दिया है, वो नहीं जा रहे हैं हरियाणा, क्योंकि हरियाणा में जो ओम प्रकाश चौटाला हैं, जो हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वो पूर्व उप प्रधानमंत्री देवी लाल के बेटे हैं। तो आपको बता दें कि हरियाणा में 25 सितंबर के दिन देवी लाल की जयंती मनाई जानी थी और उसी जयंती में ऐसा माना जा रहा था कि ये एक तरह से थर्ड फ्रंट 2024 के चुनाव के लिए थर्ड फ्रंट की तैयारी हो रही थी। आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात ओम प्रकाश चौटाला से करीब 1 महीने पहले हुई थी और उस मुलाकात के बाद कई तरह के कयास लग रहे थे, कई तरह की बातें उठ रही थीं और एक तरह से कहा जाए तो बीजेपी की भी तिरछी नज़र नीतीश कुमार पर पड़ी थी कि आखिर नीतीश कुमार ओम प्रकाश चौटाला से क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला ही वो एक तरह से कहा जाए तो वो शख्सियत हैं जो अभी थर्ड फ्रंट की तैयारी कर रहे हैं और वो बीजेपी के कहा जाए तो धुर विरोधी माने जाते हैं। उन्हें माना जाता है कि वो बीजेपी के बिल्कुल हमेशा से खिलाफ रहे हैं। उनके जो पिता थे देवी लाल चौधरी देवी लाल, वो चौधरी देवी लाल एक तरह से कहा जाए तो समाजवादी बहुत पुराने और दिग्गज नेता रहे हैं और देवी लाल के काफ़ी करीब रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी, क्योंकि जब देवीलाल केंद्र में कृषि मंत्री थे तब मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र में राज्य के कृषि मंत्री थे और देवीलाल के अंडर वो ऑलरेडी काम भी कर चुके। तो एक तरह से देखा जाए तो देवीलाल के करीब माने जाते रहे हैं नीतीश कुमार और नीतीश कुमार देवीलाल के जो भी जयंती मनाई गई या फिर उनका कोई भी ऐसा सम्मेलन आयोजित किया गया ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा तो उसमें हमेशा से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसका हिस्सा रहे, मगर इस बार वो नहीं जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो थर्ड फ्रंट बनने की बात थी उससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब पीछे हट रहे हैं और ओम प्रकाश चौटाला ने साफ तौर से बयान भी दे दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं बिहार के मुख्यमंत्री वो विरोध करने से यानी बीजेपी का विरोध करने से डर रहे हैं, वो विरोध करने से घबरा रहे हैं और यही वजह है कि वो इस रैली का हिस्सा नहीं होंगे। जो हरियाणा में एक जगह है जहाँ ये रैली होनी थी, मगर उस रैली होगी और रैली होनी है मगर उस रैली का हिस्सा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे, ये साफ किया है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने। और उसमें केसी त्यागी के जाने की बात चल रही है, मगर आपको ये भी बता दें कि जो ये रैली होनी है इसमें जो भी समाजवादी नेता हैं जिसमें के लालू प्रसाद यादव हैं, शरद यादव हैं, शरद पवार हैं, जो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और जितने भी कहा जाए तो समाजवादी नेता हैं, मुलायम सिंह यादव हैं, अखिलेश यादव हैं, ये सारे लोग को आमंत्रण किया है। केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनको भी आमंत्रण किया है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आमंत्रण मिला हुआ था मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया है। तो अब कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी के आगे फिर नीतीश कुमार या तो बीजेपी से के सामने खड़े होने में कतरा रहे हैं, क्योंकि ये भी बात उनके ही नेता रहे उपेंद्र कुशवाहा ने एक तरह से पीएम मटेरियल बताया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, उनके एक और नेता जो विधायक रहे उन्होंने भी पीएम मटेरियल बताया, तो इस तरह पीएम मटेरियल की बात अंदर से उठी थी। मगर फिर ऐसा लग रहा है कि जब अब थर्ड फ्रंट बनने की बात होनी है, जो 25 सितंबर को एक तरह से कहा जाए तो थर्ड फ्रंट का ऐलान होने की बात थी और होने की बात है अभी भी, थर्ड फ्रंट का ऐलान होने की बात है कि 25 सितंबर को जो ये रैली होनी है उसमें ये ऐलान होगा और अब ये देखना है कि उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो नहीं जाएंगे मगर वो थर्ड फ्रंट का ऐलान क्या होता है। मगर जो सवाल एक नीतीश कुमार पर उठ रहा है वो यही है कि आखिर क्या वजह है कि 1 महीना पहले वो ओम प्रकाश चौटाला से मिले, उनसे बातें की, उनसे अकेले में काफ़ी देर तक मुलाकात की, मगर अब
जब ये जयंती मनाई जाने है 25 सितंबर को, उस जयंती में जाने से इनकार कर दिया है। तो अब देखना है कि आने वाले दिनों में जो 25 सितंबर को ये रैली होनी है, इस रैली में थर्ड फ्रंट का कौन हिस्सा, कौन कौन बनते हैं, कौन कौन बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाने में इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। क्योंकि आपको एक बार फिर से ये बात बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला किसान के समर्थक रहे हैं, किसान के फेवर के नेता रहे हैं और बीजेपी के धुर विरोधी रहे हैं। तो अब देखना है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है और बीजेपी के खिलाफ 2024 की जो ये जंग जिसके लिए थर्ड फ्रंट तैयार हो रहा है, वो तैयारी कितनी सक्षम होती है और उसका नेता कौन चुना जाता है। इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।